अब हम लोग नेक्स्ट में अपन जा रहे हैं अब यहाँ से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जीरंगा के लिए। आज दिन भर में ये चौथा पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं अपन। केले के पेड़ लगे हैं इधर। अंदर ही होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए पूरा देसी नाग लोग। ये है माता का मंदिर और ये गर्म पानी है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा हम लोग महेंद्रगिरी आए हुए थे। अब हम लोग नेक्स्ट में अपन जा रहे हैं अब यहाँ से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जीरंगा के लिए, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर है। और अभी हम लोग महेंद्रगिरी पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, देख सकते हैं पहाड़ बहुत ज़बरदस्त है। बाकी अपनी बाइक को हम लोग न्यूट्रल में डाल दिए हैं तो 5 किलोमीटर ऐसे ही चल देगा अब ये नीचे तक। महेंद्रगिरी से नीचे उतरते हैं हिल से, तो रोड अच्छा है यहाँ से, पूरा यहाँ से रोड पूरा मोनेस्ट्री तक रोड अच्छा है। और यहाँ से टोटल किलोमीटर और बचा है 50 किलोमीटर और 1 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो आज दिन भर में ये चौथा पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं अपन। चार अलग अलग पहाड़ी चढ़ चुके हैं आज दिन भर में और ये चार में से यही एक ऐसा रोड है जो थोड़ा सा चौड़ा है और मस्त है, बाकी रोड तो पूरा ख़राब था। उड़ीसा अपने ख़राब रोड की वजह से जाना जाता है, बस नेशनल हाईवे जो है वो सही है, स्टेट के जितने भी रोड्स हैं ना वो बेकार हैं पूरे, जितना अभी तक मैं ट्रेवल किया हूँ इधर का। केले के पेड़ लगे हैं इधर दोनों साइड। कितना ब्यूटीफुल है भाई ये रोड देखो, ऐसे रोड रहेगा तो इंसान नॉन स्टॉप दिन भर चला सकता है, दिन भर मतलब सुबह से रात तक चला सकता है भाई। बाइकर्स को ऐसे ही रोड तो चाहिए रहते हैं, एकदम साफ सुथरा, पेड़ पौधों से घिरा हुआ और ऐसा मौसम रहे बस भाई। अभी जो है पूरे देश में हॉट वेव्स चल रही हैं, लेकिन उड़ीसा के इस भाग में आप देख सकते हैं टेम्परेचर काफ़ी लो है और ठंडा है पूरा एकदम, जो अच्छी बात है। टाइम हो रहा है 1:34, 2 बजे का टाइमिंग था, हम लोग इजली उससे पहले पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक मोनेस्ट्री यहाँ पर है, काफ़ी सुंदर लग रहा था इसलिए अपन आगे इधर चलो, आओ दिखाता हूँ आपको क्या दिख रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है। लेकिन बंद है। तो दोस्तों अपन अभी पहुंच चुके हैं महेंद्रगढ़ और यहाँ पर भी एक मोनेस्ट्री है, देखिए कितना ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है। और ये पीछे देखिए कितना बड़ा स्टैचू है यहाँ पर, चलिए अब आपको पास से दिखाते हैं। तो हालांकि अभी इसके अंदर जाने का जो गेट है वो बंद है, तो अब ये सामने वाला जो है नायडू कागयू मोनेस्ट्री है, यहाँ पर चलते हैं। काफ़ी बड़ा मोनेस्ट्री है आप देख सकते हैं,
लेकिन अभी फिलहाल बंद है तो अंदर जा नहीं पाएंगे अपन। तो चलिए आपको सीधा अब जीरंग में मिलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, और ये देखिए ये तिब्बती लोगों की पहचान, झंडे काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से लहरा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा मोनेस्ट्री कैसा है। पद्मसंभव महाविहार यहाँ से है एंट्री गेट। ये देखिए मोनेस्ट्री के विजिटिंग आवर्स हैं, मॉर्निंग सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, आफ्टरनून 1 बजे से 5 बजे तक। आरओ बेस्ड टेक्निकल वाटर है, और ये यहाँ पर लोग सब रहते हैं मोनेस्ट्री वाले, जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, और यहाँ पर शायद इनका स्कूल वगैरह भी सब इसी के अंदर ही होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसमें से है देखिए, तो दोस्तों इस मोनेस्ट्री में इतना ही है दिखाने के लिए, और बाकी सब बहुत ब्यूटीफुल जगह है, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा गर्मी भी लग रहा है। हम लोग इससे पहले जो महेंद्रगिरी गए हुए थे ना, वहाँ पर तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रहा था। तो दोस्तों अपन पहुँच चुके हैं अभी खोसड़ा वाटरफॉल में। ये देखिए पीछे मेरे वाटरफॉल देख रहे होंगे, अगर आप हिल स्टेशन से हैं या चिरमिरी से हैं तो आप इसको नाला कह सकते हैं, लेकिन है ये वाटरफॉल खोसड़ा बहुत फेमस वाटरफॉल है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर नहा वहा लेते हैं मस्त मज़ेदार तरीके से। इसका नाम रखा गया है खोसड़ा वाटरफॉल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खिसकता है। दोस्तों झरना झरना बोल के टूर्नाम नहला दिया आज। तो गाइस ये है खोसड़ा जलप्रपात, इतना पानी में आज नहाना पड़ेगा। तो दोस्तों अपन अभी निकले हुए हैं खसड़ा जलप्रपात से, और अभी हम लोग जा रहे हैं तप्त पानी करके एक जगह है जहाँ पर गर्म पानी आता है, एक मंदिर भी है छोटा सा। तो चलिए उसको एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद सीधा घर की ओर निकलेंगे। तो जो खसड़ा वाटरफॉल है वहाँ तक जाने का जो रास्ता है पूरा ख़राब है। और ये देखिए ये है पूरा देसी नाग लोक, यहाँ पर हर जगह पर आपको दिख रहा होगा ये सब सांप का बिल है, और पूरा बहुत सारा बिल बना हुआ है, तो मतलब समझ सकते हो कितना सारा सांप होगा यहाँ पर। ये रोड आपको अर्गू वैली का याद दिला देगा, दोनों साइड खेत, बीच में पतला सा रोड। तो दोस्तों हमें गूगल मैप फिर से गलत जगह घुसा दिया था,
तप्तपाणी बोल के एक जगह यहाँ पर और है, वहाँ घुसा दिया था। असल में तप्तपाणी जो है ब्रह्मपुर जाने वाले रास्ते में पड़ता है, जो यहाँ से 34 से 35 किलोमीटर दूर है। तो अपन तो उधर ही जा रहे हैं अभी, तो रास्ते में पड़ेगा वो। ये देखो कितना ब्यूटीफुल झंडा है। दोस्तों अपन फिर से पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे में, और यहाँ से 10 किलोमीटर सीधा कंटिन्यू करना है अपन को। 10 किलोमीटर क्या, पूरा ही कंटिन्यू करना है अपन को यहाँ से। तो दोस्तों अपन यहाँ रुके हुए थे अभी ब्रेकफास्ट के लिए, और सामने वाले इस होटल पर ब्रेकफास्ट किया अपन। काफ़ी बेस्ट डिलीशियस था फूड, बड़ा समोसा आलू गुंडा सब कुछ खा लिए। 20 रुपये में चार चार दे रहा था वो, और साइज भी बड़ा था। तो चलिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, और रास्ते में पड़ेगा तप्तपाणी। तप्तपाणी देखते हुए अपन निकलेंगे सीधा ब्रह्मपुर के लिए। ये रोड का मेन खासियत ये है कि इसमें आंध्र प्रदेश नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा उड़ीसा साइड से होते हुए निकलेगा ये। दादिया में चल देती आज। चलते हैं अब अंदर, देखते हैं कैसा क्या है। काफी फेमस है अपने हॉट स्प्रिंग के लिए, ये देखो लिखा हुआ है। और ये टेंपल है, इसके अंदर ही है। तो चलते हैं अभी टेंपल के अंदर। क्या क्या लिखा है? लिखा है वहाँ पे देखो क्या लिखा है। श्री 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 माँ कौंधुनी देवी पैठ। ये है माता का मंदिर, और ये गर्म पानी है, हॉट स्प्रिंग वाटर है। ये देखिए आप देख सकते हैं वहाँ से बुलबुले निकल रहे हैं। तो यहाँ पर लोग नहाते भी हैं, ऐसा मान्यता है कि जैसे यहाँ पर नहाने से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो चलिए आपको पूरा मंदिर परिसर घुमाते हैं, और हॉट स्प्रिंग वाटर आपको दिखाते हैं। काली का मंदिर है देखिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।